मनीषा के पापा बन चुके हैं फुकरा इंसान और मनीषा को बिगाड़ दिया है फुकरा इंसान ने। फुकरा इंसान ने मनीषा को हालचाल पूछा और अपनी गोद में बिठा लिया। वहीं पर बेबिका के साथ काफी ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे हैं और बोल रही हैं कि जिया तो एक बहाना है, मुझे तो तुझे पटाना है, तू जो है सोना है और कितनी सुंदर है तू। काफी सारी चीजें कर रही हैं और बोल रहे हैं कि हाँ तू तो बिगाड़ रहा है सबको। तो बोलता हाँ ये तो मेरी बच्ची लगती है और मैं तो अपने बच्चों को बिगाड़ता हूँ, ये तो बिगड़ रही है, मैं इसको बिगाड़ रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चों को बिगाड़ता ही हूँ। और काफी ज्यादा प्यार से जो है मनीषा को रख रहे हैं, एक बेबी के जैसा, छोटी सी बेबी के जैसा कैरी कर रहे हैं। फुकरे इंसान ने पहले भी बोला कि मुझे तू 25-26 साल की लगती नहीं है, मुझे 16 साल की तू लगती है, छोटी सी कि तुझे मैं गोद में उठा के घूमू। और जब भी मौका मिलता है फुकरा इंसान को, वो गोद में उठा ही लेते हैं मनीषा को और गोद में बिठा के हैं। और अपनी बेटी तक बोल दिया है अब फुकरा इंसान ने मनीषा को, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यही बॉन्डिंग जो होती है वो अच्छी लगती है। अगर कोई भी इंसान अगर आपको भी इतना गहरा रिश्ता बोले कि आप उस रिश्ते में आते हैं मेरे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि क्या मैं उसकी बहन हूँ, क्या मैं उसकी माँ के जैसी हूँ, क्या मैं उसके भाई के जैसा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो हमें इतनी इंपॉर्टेंट दे रहा है, क्या मैं उसकी बच्ची के जैसी हूँ, बच्चे के जैसी हूँ। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो मनीषा को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पर अभी जो भी चीज़ें दिल में हैं वो तो सुनना चाहते होंगे आप। मनीषा के दिल में आखिरकार दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या लगता है आपको? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।